नमस्कार, मैं अमित सिंह, इंडिया न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बड़ी खबर का। कर्नाटक विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। रेलवे ट्रैक पर उनका शव मिला है। नाम धर्मेगौड़ा है। शव के साथ एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। SL धर्मेगौड़ा के साथ सदन में हुई थी धक्का मुक्की, जिसके बाद उनका शव मिला। बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से, जहां शव मिला है SL देवगौड़ा, जो कि सदन में धक्का मुक्की के बाद कर्नाटक विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर हैं। और ये लगातार सवाल खड़े करता है कि आखिर किस परिस्थिति में उनकी मौत हुई, सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा हुआ है। पुलिस ने इसका भी खुलासा नहीं किया, लेकिन कर्नाटक के विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर की लाश इस तरह से रेलवे की पटरी पर मिलना बेहद सनसनीखेज है। आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। सुसाइड की आशंका का भी पता नहीं चल पाया है कि उन्होंने सुसाइड किया या किसी ने उन्हें मारा है। और दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब उनके साथ सदन में धक्का मुक्की की गई थी। बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से, जहां के डिप्टी स्पीकर धर्मेंद्र देवगौड़ा की लाश मिली है रेलवे ट्रैक पे। उनके पास एक सुसाइड नोट भी मिला है। हालांकि इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है कि उनकी मौत की वजह क्या थी, उन्होंने खुदकुशी की है या उनकी हत्या की गई थी। लेकिन बेहद सनसनीखेज खबर है जो इस वक्त कर्नाटक से आ रही है।